इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म पढ़ाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किसी भी अननोन को फाइंड करना बताऊंगी। जिस तरह ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसमें एक एक्स वन एक्स टू, ये दो अननोन्स हैं ना, तो इनको हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस लेक्चर में बताऊँगी और क्रैमर रूल से। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्स वन के कोएफिशिएंट्स हैं वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और एक्स टू के सेकंड कॉलम में। तो इसका कोएफिशिएंट वन है तो माइनस वन आ जाएगा, इधर भी वन है तो प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि एक्स वन और एक्स टू जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अननोन्स, उनको लिख देते हैं। फिर इक्वल के जो दूसरी साइड पे हैं वो हम इक्वल के साइन के बाद ही लिखेंगे, वन और थ्री। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इसको ए का नाम देते हैं, इसको एक्स का और इसको बी का। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बेसिकली फाइंड करना होता है। तो अब इन्वर्स अगर मैंने फाइंड करना है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर मैं इसको करूँ कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए इन्वर्स, तो अगर मैं इसको ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब ए इन्वर्स यहाँ पे ए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब ए की पावर वन है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब देखें कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन प्लस वन, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब देखें कि ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी। तो अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब देखें एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी, तो ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब जिसको हमने एक्स का नाम दिया था इसमें एक्स वन एक्स टू आ जाएंगे, फिर हम जब मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास इन अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी, इसकी डेरिवेशन। अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिख लेती हूँ और इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको पूरा समझाती हूँ। अब सबसे पहले मुझे ए मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। अब हमारे पास मैट्रिक्स में फर्ज करें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, ए डी को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और दरमियान में साइन माइनस का और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी सी। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के लिए फार्मूला होता है। अब मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगी। तो देखें क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब देखें ए डी है ना, तो ए की वैल्यू क्या है थ्री और डी की वैल्यू है वन, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस वन और सी की वैल्यू है वन, तो ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन, यहाँ पे फोर, थ्री प्लस वन फोर होता है। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया फोर। अब मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स के लिए क्या होगा, इन्वर्स का फार्मूला होता है वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैं पहले निकाल लेती हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट तो मेरे पास आ चुका है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली जो डायगनल होता है ना इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और इस वाले डायगनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थ्री वन है तो वन उधर चला जाएगा, थ्री इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे अब वन है तो सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर वाला प्लस उधर चला जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस फार्मूला में पुट कर देती हूँ, ये मैं इनको वन में पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन ओवर, अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला था फोर, तो इसकी जगह पे फोर और एडजॉइंट मैंने अभी फाइंड किया है वन वन माइनस वन और थ्री, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब देखें ये वाले जो मेरे पास था इसको लेट हम स्टेरिक का नाम दे देते हैं। तो अब देखें मेरे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा ए इनवर्स की वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और बी का मैट्रिक्स आ जाएगा, ये बी है ना, बी आ जाएगा साथ वन थ्री। अब देखें कि हमने देखना होता है कि फर्स्ट के कॉलम सेम हो और सेकंड के नंबर ऑफ रोज, तो फर्स्ट में टू कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में टू रोज हैं, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सेवन रूल को फॉलो करेंगे, वन मल्टीप्लाई वन दरमियान में साइन प्लस का, वन मल्टीप्लाई थ्री, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई वन और प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन सा वन प्लस थ्री और नीचे आ जाएगा माइनस वन प्लस नाइन,
अब इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे को करने से 8। अब ये वाला जो 1/4 है ना, ये 4 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अंदर ले जाके हर टर्म के साथ डिवाइड करा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8/4। अब जब देखें 4 1 4, ये 1 के टेबल में जा रहा है, ये 2 0, तो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बच जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्स मैट्रिक में क्या था, x1 x2 इज इक्वल्स टू 1 और 2। अब देखें x1 फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, x1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से हमें पता चल गया, और x2 की वैल्यू 2 है। ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए भी मैंने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वल टू बी। अब क्रैमर रूल के लिए भी हमारे पास क्या होता है रूल, कि अब हमने अननोन्स को ही फाइंड आउट करना है ना, x1 और x2। x1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है, अब हम x1 मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। अब x1 मैट्रिक्स के लिए ये जो बी है ना, इस पूरे को उठा के इसकी जगह पे रख देंगे और ये वाला मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको भूल जाए, और 1 3 को मैंने इसकी जगह पे रख दिया, और ये सेकंड वाला जो कॉलम है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली x2 का मेरे पास क्या फार्मूला होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कॉलम एज इट इज़ रहेगा, अब सेकंड कॉलम को हम ख़त्म कर देंगे और सेकंड की जगह पे बी वाला रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1, और इसको उधर ले जाएंगे तो 1 3। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए इनके फार्मूलाज। अब हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इनके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, फिर डायरेक्ट इधर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या फार्मूला होता है। अब ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 3 है, डी 1 है, ए डी माइनस बी सी। अब बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है, तो अब हम सिंपली यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 + 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया। अब हमें x1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, x1 के लिए ये मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इसका x1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ए डी 1 × 1 माइनस बी सी। अब बी की वैल्यू क्या है, -1, और सी की वैल्यू क्या है, 3, तो इसको अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3, वो -3 होना था तो प्लस हो जाएगा 4। अब x1 का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4। अब मैं इसी तरह x2 का निकाल लेती हूँ, x2 के लिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है। अब देखें ए डी, ए 3 है, डी भी 3 है, माइनस, अब ये बी है और ये सी, बी सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। अब देखें 3 3 का क्या आता है, 9 9 - 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। तो x2 का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 के इक्वल है। अब हम सिंपली इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, इसको अगर आप 1 का नाम कह दें और इसको 2 का, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि 1 implies, यहाँ पे मैं सिंपली फार्मूलाज लिख रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसी वैल्यू पुट कर रही हूँ, x1 का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 4 है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब मैं कहती हूँ कि 2 implies, सिंपली फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, x2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ x2 मेरे पास क्या आया था, 8, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x2 इज इक्वल्स टू 8 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखें इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये x1 की वैल्यू 1 है, x2 की 2 है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी हमने किया था, तो हमारे पास आंसर x1 का 1 आया था और x2 का आंसर 2 आया था।